हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सीलेंस टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, पीएचपी का ट्यूटोरियल अभी कंटिन्यू है। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अब वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो गई हैं, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। अभी क्वारंटाइन है, आप घर पे ही हैं, तो अपनी नॉलेज को साथ साथ आप इंक्रीज करते रहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पीएचपी की स्ट्रिंग्स के बारे में, उसके कुछ फंक्शंस भी किए थे। तो आज हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड सब स्ट्रिंग बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है पुरानी, वो इस वीडियो को देखने से पहले पुरानी वीडियो देख लें, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए जो हम अभी स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस इसके अंदर यूज़ करेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो, तो आपको वो इजीली समझ आ जाएंगे। तो जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ढूंढने वाले हैं दो स्ट्रिंग के बीच में से एक सब स्ट्रिंग हमें फाइंड करना है। हम लोग जो स्ट्रिंग ले रहे हैं वो है इट्स कोविड-19 स्टे होम स्टे सेफ, राइट। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 0 से शुरू होके 31 तक जा रही है। अभी इसको ढूंढने के लिए, इसमें से सब स्ट्रिंग निकालने के लिए हमें एक लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ द स्टार्टिंग स्ट्रिंग। जो हमारी स्टार्टिंग स्ट्रिंग है, सबसे पहले उसकी हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पता होनी चाहिए। दूसरा, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एंडिंग स्ट्रिंग। जो हमारी एंड वाली स्ट्रिंग है उसकी हमें स्टार्टिंग पोजीशन पता होनी चाहिए। तीसरे स्टेप में हमने जो सब स्ट्रिंग फेच करनी है उसका हमें साइज पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हमारी स्टार्टिंग स्ट्रिंग कौन सी है। अभी हमें इसमें से क्या ढूंढना है, स्टे होम स्टे। अभी स्टे होम स्टे अभी हमें ये ढूंढना है, तो इससे बिल्कुल पहले वाली जो स्ट्रिंग रहेगी वो हमारी रहेगी स्टार्टिंग स्ट्रिंग, और जो इसकी इमीडिएट लास्ट वाली पीछे वाली होएगी वो होएगी इसकी एंडिंग स्ट्रिंग। तो हमारी स्टार्टिंग स्ट्रिंग क्या हुई, कोविड-19, कोविड-19। तो कोविड कहाँ से शुरू हो रहा है, फोर से। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है इसकी, फोर, और एंडिंग पोजीशन इसकी क्या है, नाइन। एंडिंग पोजीशन क्या है इसकी, इलेवन, ये इलेवन पे आके क्लोज हो रहा है। तो हमारे पास, हमें पता लग गया है कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, हमें पता लग गया है हमारी एंडिंग पोजीशन क्या है। इसके बाद हमने ढूंढना है अपनी एंडिंग, जो हमारी एंडिंग स्ट्रिंग है उसकी हमें स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढनी है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एंडिंग स्ट्रिंग। हमारी एंडिंग स्ट्रिंग क्या थी, सेफ। अब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढनी है, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 28। तो जब हमारे पास, हमें पता लग जाएगा कि हमारी स्ट्रिंग कहाँ एंड होनी है, 28 पे, और इसने शुरू कहाँ से होना है, इसने शुरू होना है करीब करीब 11 से, तो इसके बीच वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, सब स्ट्रिंग। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। ये तो हमने लॉजिक बिल्ड कर लिया है कि लॉजिक इसका कुछ इस तरह का रहेगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी स्क्रीन की तरफ। ये आ गई हमारी स्क्रीन, तो इसमें हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आप इसको मोबाइल की स्क्रीन में भी इजीली देख पाए। तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो है इट्स कोविड-19 स्टे होम स्टे सेफ। वैसे भी कोरोना वायरस चल रहा है, तो घर के अंदर रहें, आप सेफ रहेंगे, बाहर ना निकलें, वीडियो को देखते रहें, प्यार देते रहें, और अपनी नॉलेज साथ साथ आप इंक्रीज करते रहें। तो चलिए दोस्तों, अभी हम शुरू करते हैं। अभी हमें सबसे पहले हमें क्या करना था, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पोजीशन ऑफ द स्टार्टिंग स्ट्रिंग। अभी हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढनी है अपनी स्ट्रिंग की। तो स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, START स्टार्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर पोजीशन, और मैं STRPOS, देखिए स्ट्रिंग पोजीशन STRPOS, ये इसका स्ट्रिंग का इनबिल्ट फंक्शन है, ये आपको आपकी स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पोजीशन बता देगा। तो मेरे को, मेरी स्ट्रिंग क्या है, STR, उसमें से मेरे को किस वर्ड की स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढनी है, मेरे को ढूंढनी है कोविड-19 की स्टार्टिंग पोजीशन। अब देखिए, मेरी पूरी स्ट्रिंग इसमें स्टोर है STR के अंदर, वो मैंने यहाँ पास करा दिया, और मेरे को स्टार्टिंग पोजीशन किसकी ढूंढनी है, कोविड-19 की, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। अभी हम इस यहाँ लिखता हूँ मैं इको, और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या आ रही है, लॉजिकली इसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या आनी चाहिए, 0 0 1 2 3 4, फोर आना चाहिए, क्योंकि सी कहाँ से, कोविड कहाँ से शुरू हो रहा है, फोर से। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं ब्राउज़र की तरफ,
और रिफ्रेश इसको करते हैं, तो अभी हमें क्या दिखा रहा है ये, फोर फोर दिखा रहा है, मींस हमारे पास जो है वो अभी स्टार्टिंग पोजीशन हमारे पास अभी आ चुकी है। अभी हमें ढूंढनी है एंडिंग पोजीशन। एंडिंग पोजीशन ढूंढने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको आपकी स्ट्रिंग की लेंथ पता होनी चाहिए। अभी COVID-19 है तो इसकी लेंथ पता होनी चाहिए। तो इसकी लेंथ पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, START start str_len इक्वल टू str स्ट्रिंग len डॉलर str कोमा, किसकी ढूंढनी है आपको, COVID-19। आपको किसकी लेंथ ढूंढनी है, COVID-19 की, और यहां पे मैंने लगा दिया सेमी कॉलन, राइट। अभी स्ट्रिंग लेंथ ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आप पास कराओगे उसकी लेंथ कैलकुलेट करके आपको बता देगा। अभी COVID-19 की लेंथ देखिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो टोटल लेंथ कितनी है, 8। तो अभी हमारे पास क्या आना चाहिए, लेंथ 8 आनी चाहिए। तो मैंने इसको सेव किया और इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। यहाँ आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो लेंथ कितनी दिखा रहा है अभी, 8। तो हमारे पास अभी लेंथ भी आ चुकी है। और अगर मैं इसकी स्टार्टिंग पोजीशन और लेंथ को दोनों को ऐड कर दूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगी, स्ट्रिंग की एंडिंग पोजीशन। अभी देखते हैं हम, मैंने इसको यहाँ पे लिखा डॉलर START स्टार्टिंग स्ट्रिंग अंडरस्कोर एंड POS इक्वल टू डॉलर START अंडरस्कोर स्ट्रिंग अंडरस्कोर POS प्लस डॉलर अंडरस्कोर स्टार्ट अंडरस्कोर LEN STR अंडरस्कोर LEN। वेरिएबल्स के नाम कुछ ज़्यादा ही बड़े ले लिया मैंने दोस्तों, लेकिन ये इसलिए लिए हैं ताकि जो नेम कन्वेंशन है वो हमेशा रेलिवेंट होनी चाहिए, ताकि आपको पढ़ते ही समझ आ जाए कि अगर आप फ्यूचर में कहीं वेरिएबल यूज़ भी कर रहे हैं तो आपको वेरिएबल के नाम से ही समझ आ जाए कि इसमें क्या वैल्यू स्टोर है और वो कहाँ से आ रही है और कैसे आ रही है। तो देखिए देखो, स्टार्टिंग स्ट्रिंग स्टार्ट पोजीशन, ये हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है। स्ट्रिंग लेंथ, ये हमारे पास लेंथ है। सॉरी, अब हम देखेंगे कि हमारे पास स्टार्टिंग लेंथ स्टार्टिंग पोजीशन क्या आई थी, 4, और लेंथ कितनी आई थी हमारे पास, 8। 4 + 8 कितना हो गया, 12। अब 12 होगी हमारे पास एंडिंग पोजीशन। अब हम देखते हैं एंडिंग पोजीशन क्या हमारी 12 ही बन रही है। तो देखिए यहां से इसने 1 से शुरू होना है, 1, 2, 3, 4, 11 आप यहां देख ही रहे हैं, ये 11 तक तो जा ही रहा है लेकिन 0 से शुरू हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया ये 12। तो ये हमारे पास दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग की एंडिंग पोजीशन। अभी हमारे पास इसकी एंडिंग पोजीशन भी आ चुकी है, अभी हमारे पास एंडिंग पोजीशन इसकी आ चुकी है। अभी हमारे पास स्टेप जो 2 था उसके अंदर क्या था, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एंडिंग स्ट्रिंग। अभी हमें एंडिंग स्ट्रिंग की स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढनी है। अभी हमारी एंडिंग स्ट्रिंग क्या है, सेफ, और उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, 28। तो अभी हमने देखा कि हम पोजीशन कैसे ढूंढते हैं, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है स्ट्रिंग पोजीशन, ये वाला, इसका यूज हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डॉलर START स्टार्ट एंड अंडरस्कोर STR अंडरस्कोर पोजीशन, मतलब स्टार्टिंग पोजीशन यहां कर देते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एंडिंग स्ट्रिंग ऐसे लिख सकते हैं इसको, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एंडिंग स्ट्रिंग। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, STR POS और इसमें डॉलर STR कॉमा, और हमारे पास क्या था, सेफ। सेफ थी हमारी लास्ट वाली स्ट्रिंग, वो मैंने यहाँ पास करा दी है, और हमारे पास अब आ जाएगी इसकी भी, आप यहाँ से इसको इको कर सकते हैं। मैंने सेव किया और यहाँ आके इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आपके पास आ गया 28। अब 28 आप देख सकते हैं इसकी पोजीशन क्या है, 28। अब हमारे पास आ चुकी है, दूसरा स्टेप भी हमारा पूरा हो गया, हमने स्टार्टिंग पोजीशन ढूंढ ली है हमारी एंडिंग वाली स्ट्रिंग की। अब नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द साइज ऑफ द सब स्ट्रिंग। अभी हमें साइज ढूंढना है सब स्ट्रिंग का। ये देखिए सब स्ट्रिंग का साइज कितना रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14।
अगर हम इसको भी ऐड कर ले तो 15। तो अभी हमारे पास साइज ढूंढना है। अब साइज ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइज ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है डॉलर साइज इक्वल टू डॉलर एस टी आर, डॉलर एस टी ए आर टी स्टार्ट अंडरस्कोर पोजीशन अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर एस टी आर, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एंडिंग स्ट्रिंग, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एंडिंग स्ट्रिंग माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग स्टार्टिंग स्ट्रिंग की एंडिंग पोजीशन, ये वाली। मैंने थोड़े नेम कन्वेंशन लेके शायद इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया होगा आप लोगों के लिए, लेकिन आप समझें कि ये हमारी स्टार्टिंग स्ट्रिंग की एंडिंग पोजीशन है और ये हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है एंड वाले स्ट्रिंग की। तो आप देखिए हम इसकी पोजीशन क्या है, हमारे पास 11। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको माइनस किया और यहाँ पे हम इसको करते हैं इको, इको करने के बाद हम लोग इसका साइज देखते हैं कि क्या आ रहा है, रिफ्रेश किया तो साइज हमारे पास कितना आ रहा है, 16। अब 16 ये क्यों आ रहा है, 16 हम देख लेते हैं क्योंकि शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। तो पूरी की पूरा जो साइज है वो हमारे पास अभी आ चुका है। अब साइज के अंदर हमारे पास हमारे सब स्ट्रिंग का साइज आ चुका है कि हमें कहाँ तक बेसिकली जाना है। तो अब सब स्ट्रिंग को कट करने के लिए हमने क्या लिखा, एस यू बी अंडर स्कोर एस टी आर इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन है सब एस टी आर। अब जब आपको ऐसा करना है तो आपको यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास कराने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपको शुरू कहाँ से होना है और किस साइज तक जाना है, कितना साइज आपको आगे चाहिए। तो मेरे को शुरू कहाँ से होना है, मेरे को शुरू होना है यहाँ से कंट्रोल सी कोमा, और जाना कहाँ तक है, डॉलर साइज तक। अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ये यहाँ से समझेगा इसको। स्टार्टिंग पोजीशन हमारी क्या थी, 12, और जाना कहाँ, टोटल साइज कितना आ रहा था हमारे पास, 16। मतलब 12 से शुरू होके आगे वाले 16 करेक्टर्स को वो अपने साथ ऐड कर लेगा। 12 से शुरू होके आगे वाले 16 करेक्टर कहाँ ख़त्म हो रहे थे, 27 पे। तो यहाँ तक वो सभी सारों को इकट्ठा कर लेगा। तो अभी हम देखते हैं इसकी अब हम इसको यहाँ से प्रिंट कराते हैं, इको इको डॉलर सब अंडरस्कोर एस टी आर, सेव किया, सेव किया इसको और यहाँ आके करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए आ गया हमारे पास स्टे होम स्टे। अब ये हमारे पास आ चुकी है हमारे स्ट्रिंग, हमारे दो स्ट्रिंग में से हमने सब स्ट्रिंग को फेच कर लिया है। अब देखिए इसमें हम लोगों ने कोई इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, जैसे इम्प्लोड एक्सप्लोड इस तरह के फंक्शन भी आते हैं, उसका यूज़ करके भी हम सब स्ट्रिंग को निकाल सकते थे, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का लाइक शेयर हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, थैंक यू।